और इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व है बड़े शुभ मुहूर्तों में आ रहा है, भद्रा रहित है। प्रातःकाल से ही लेकर के 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी समय भी राखी को बांध सकते हैं। विशेष मुहूर्त जो सिद्ध मुहूर्त है वो मुहूर्त लगभग 1:44 से लेकर के शाम को 4:18 तक विशेष मुहूर्त है, और इस बार भद्रा का साया नहीं है। रक्षाबंधन ने बद्धो बलि राजा धान बिंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबदनामी रक्षे मांचल मांचला। उदान की भावना थी मुट्ठी बंद करके, और जो कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो हमारी वैदिक सनातन धर्म परंपरा में हमारे पूर्वज हमारे ब्राह्मण हमारे पुरोहित लोग जब रक्षाबंधन का दिन होता था तो सर्वप्रथम रक्षा सूत्र जो है कुल पुरोहित आदि लोग बांधा करते थे सभी लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग मौजूद हैं श्री बालाजी ज्योतिष अध्यात्म केंद्र और जो उसके फाउंडर हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष भी हैं अचक पुरोहित महासभा के। आज का विषय हमने रखा है रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपने वो इंटरव्यूज़ में सुना होगा, बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, और गुरुजी सामने से जवाब देते हैं कि भाई अपनी बहनों की रक्षा करें। लेकिन हम लोग इसके बारे में डीप जाने की कोशिश करेंगे और गुरुजी से इसकी जो हिस्ट्री है वो पूछने की कोशिश करेंगे। गुरुजी सबसे पहले आपका स्वागत द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। लोगों को कुछ बताएं, क्योंकि लोगों ने ये तो बहुत बार सुना है कि भाई कलाई पे राखी बंधी और सिस्टर की आप रक्षा कीजिए। वो सेम भी हो सकता है भाई, सिस्टर की हाथ पे राखी बंधी वो भी हमारी रक्षा कर सकती है, क्योंकि हमने बहुत सारी रेसलर्स भी देखी हैं अपनी बहनें, और हॉकी भी खेलती हैं, अभी हॉकी में नाम रोशन किया है महिलाओं ने, और वेट लिफ्टर भी हमने बहनें देखी। तो वो ऐसे भी सेम हो सकता है भाई, हम उनकी हाथ पे राखी बांधे वो भी हमारी रक्षा करें। तो इसके पीछे राज क्या है आप हमें ये बताएं। जी धन्यवाद हेमंत जी, और द न्यूज़ वाला पे आप नित नए विषयों को लेकर के और हमारी धर्म संबंधी सारी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और मेरी ओर से भी द न्यूज़ वाला के सारे दर्शकों को जय श्री राम प्रणाम। और आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा, रक्षाबंधन ने बद्धो बलि राजा धान बिंद्रो महाबला तेन त्वम प्रतिबदनामी रक्षे मांचल मांचला। जैसे ही यह मंत्र है, इस मंत्र से तात्पर्य यह है कि मुझे इस प्रकार रक्षा सूत्र बांधिए, किस रक्षा सूत्र जिस प्रकार से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया, और राजा बलि के मन में उस समय जो भावना थी उदान की भावना थी मुट्ठी बंद करके, और जो कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो हमारी वैदिक सनातन धर्म परंपरा में हमारे पूर्वज हमारे ब्राह्मण हमारे पुरोहित लोग जब रक्षाबंधन का दिन होता था तो सर्वप्रथम रक्षा सूत्र जो है कुल पुरोहित आदि लोग बांधा करते थे सभी लोगों को। इसमें भाई बहन से हट करके बात है कि पुरोहित लोग प्रारंभ करते थे इसको बांध करके, और यह मंत्र के द्वारा यजमान की आयु आरोग्य की कामना करते थे और रक्षा की कामना करते थे कि जिस प्रकार राजा बलि के मन में भाव था भगवान के प्रति, उसी प्रकार का भाव हमारे मन में वो दान का और पुण्य का बना रहे। तो जैसे आपने पूछा कि इसका क्या महत्व है और किस प्रकार से ये प्रारंभ हुआ, इसके बारे में सारे दर्शकों को जानकारी दे दूँ। ये हमारा पुरातन जो विषय है रक्षा सूत्र का वृतांत शास्त्रों में इस प्रकार से आता है कि जब वामन के रूप में वामन अवतार के रूप में भगवान राजा बलि के पास पहुँचे थे, जब देवताओं के ऊपर बहुत संकट था तो देवताओं की रक्षार्थ भगवान वामन के रूप में बलि राजा के यहाँ पहुँचे। राजा बलि बहुत बड़ा दानवीर था और उन्होंने वामन भगवान को दान में 3 पग भूमि दे दी, 2 पग भूमि में पूरी भूमि और आकाश आदि नाप दिया गया, 3रा जो पग था अब वामन के रूप में भगवान ने बोला कि 3रा पग मैं कहाँ रखूँ। उस समय राजा बलि ने अपने शीश पर भगवान का 3रा पग रखवाया तो भगवान उसकी दान भावना से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा, राजा बलि ने वरदान ये मांगा कि आप भी मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। तो भगवान जब पाताल लोक में रहने लगे तो बड़ी चिंता हुई माँ लक्ष्मी को, तो उस समय गरीब स्त्री के रूप में जा करके माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधा था, राखी बांधी थी, तो उस समय जो भगवान को बचा करके वहाँ से ले आए थे। उस समय भी यह जो है उस समय से यह कार्य प्रारंभ हुआ।
दूसरे शब्दों में राजा भगवान कृष्ण और द्रौपदी का भी वर्णन आता है कि जब शिशुपाल का वध कर दिया था भगवान ने सुदर्शन चक्र से, उस समय उनकी उंगली में चोट लगने के कारण उनके वहाँ पर द्रौपदी जी ने एक साड़ी का अपना जो है कपड़ा बांधा था, तो बदले में भगवान ने जब चीरहरण हुआ उनकी रक्षा की थी। ऐसे बहुत से अनेकों उदाहरण हमारे वेद में शास्त्रों में हैं, तो रक्षाबंधन का यह पुरातन हमारा इतिहास है और इसमें सभी लोग यह कामना करते हैं कि भाई सबका कल्याण हो, इस भावना के साथ अहंकार रहित आप सब लोग भी राखी बंधवाएँ और भगवान का परमात्मा का नाम लें। इस प्रकार से आप को यह जानकारी दी गई है। मेरा जो सवाल है वो बीच में रह गया, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई लड़कियां भी वेट लिफ्टर हैं, रेसलर हैं और बहुत सारे खेलों में आ गए हैं, कुश्ती ये सब खेलती हैं लड़कियां, तो भाई उनके भाई भी हैं, तो अब भाई को भी उनके हाथ पर राखी की बहन हमारी भी रक्षा करें, तो ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए बहुत अच्छी बात पूछी। हमारे जो व्रत हैं, पर्व हैं, त्यौहार है, उसमें हमारे ऋषि मुनि बड़े ज्ञाता थे, बड़े त्रिकालदर्शी थे, उन लोगों ने ऐसा समन्वय बनाने का प्रयास किया कि हम इन व्रतों के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से एक दूसरे के महत्व को जानें, एक दूसरे से जुड़े रहें, परिवार जुड़े रहें, संबंध बने रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, सद्भाव बना रहे। तो ऐसा नहीं है, हम भी अपने बहन के समय अनुसार, जब हम पहले का समय इस प्रकार से था कि भाई रक्षा करते थे, आज के समय में ऐसी भी बहन बड़ी है, वो भी पुत्रवत समान है। शास्त्रों में देखिए जो लोग प्रसन्न चिन्ह उठाते हैं, ऐसा नहीं है, पुत्र और पुत्रिका को एक ही शब्द दिया गया कि भाई आप पुत्रमान बने, उसमें पुत्र और पुत्री दोनों ही आते हैं, उसको केवल एक मान लेना कि हम पुत्र की कामना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुत्रवान होने से तात्पर्य यह है कि आप पुत्री पुत्रीवान कुछ भी हो सकते हैं। तो अच्छी बात है, जब बहन बड़ी होती है तो माँ के समान भी है, बड़ी हमारी अग्रणी है, तो वे अपने भाइयों की केयर करते हैं, बड़ी बहन गोद से लगाती हैं, सारा काम करती हैं। और जैसे आपने बताया समय बदल गया, तो ऐसा भी है आजकल की बहनें भी रक्षा करती हैं, तो रक्षा का धागा उनको भी बांधा जा सकता है जो रक्षा करते हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप इस बात से कितना का संकल्प लिया जाता है। बिल्कुल, उस रक्षा से तात्पर्य ये नहीं है, आप उन संबंधों से बने रहो। रक्षा से ये नहीं कि आपने कहीं युद्ध में जाना है, तलवार लेकर के जाना है, ऐसा नहीं है। और भी प्रेम का जो सद्भाव का एक हमारा है, उस भाव से हम बन के रहे, उन संबंधों से बन के रहें हम। जैसे आजकल हो जाता है जमीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के, हिस्सेदारी को लेकर, कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, जो हमें डायरेक्शन दे, शिक्षा दे, एजुकेशन के प्रति जागरूक करे या जीवन जीना सिखाए, तो उसको भी रक्षा धागा बांधा जा सकता है। बांधा जा सकता है, बिल्कुल। मैंने जैसे बताया ना, ये परंपरा थी, हमारे पुरोहित लोग भी पहले बांधते थे, आज वो परंपराएं कहीं विलुप्त हो रही हैं, प्रयास करना चाहिए। तो हम उसको रक्षा सूत्र बांधते हैं, अब भी हम अपने कलाओं पर बांधते हैं, अपने हाथों पर बांधते हैं, तो ये बदला जाता है, पुरोहित लोग बदलते हैं, तो ऐसा है। मेरा आखिरी सवाल, कोई मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं, फॉलोअर्स हैं आपके, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? क्योंकि हम एक अनोखी चीज़ आपसे पूछने की कोशिश करते हैं, हम वो नहीं पूछते कि भाई अर्थ क्या है, हिस्ट्री में जाते हैं और आज के जो दौर है उसमें हम कनेक्ट करने की आपसे कोशिश करते हैं, तो आपकी तरफ से कोई मैसेज? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात है, यूथ को लेकर के चलते हैं, हमारे यूथ को भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो धर्म परंपराएं हैं उनको मानने से हम निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में। ये धर्मो रक्षति रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व है बड़े शुभ मुहूर्तों में आ रहा है, भद्रा रहित है, प्रातःकाल से ही लेकर के 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी समय भी राखी को बांध सकते हैं। विशेष मुहूर्त जो सिद्ध मुहूर्त है, वो मुहूर्त लगभग 1:44 से लेकर के शाम को 4:18 तक विशेष मुहूर्त है, और इस बार भद्रा का साया नहीं है। इस समय पूर्णिमा तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र, शोभन योग, बड़े शुभ योग इस बार बन पड़े हैं, तो आप अहंकार रहित होकर के बड़े प्यार और प्रेम से रह करते हुए इन संबंधों को जाने, इन रक्षा के पर्व के महत्व को जाने, और एक दूसरे को जो कर्तव्य निष्ठता का बोध कराती हैं त्यौहार, जो हमारे कर्तव्य निष्ठता का हमें बोध कराते हैं, तो जो व्यक्ति अपने धर्म पे, कर्तव्य पे आगे चलता है, त्याग तपस्या के साथ जीवन जीता है, जीवन मिलना बड़ा आसान है, सुलभ है, लेकिन इसमें मनुष्य आप हो गए, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन तप साधना योग की आवश्यकता होती है। सभी दर्शकों को, यूथ को मैं यही कहूँगा, बड़े मनमुटाव को छोड़ते हुए अहंकार रहित होकर के सारे पर्वों को मनाना चाहिए। द न्यूज़ वाला के सारे दर्शकों को बहुत बहुत जय श्री राम, बहुत बहुत साधुवाद। रक्षाबंधन की
पर्व में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आप बहुत अच्छे आप जो है एंकरिंग करते हैं हमारे हेमंत जी, द न्यूज़ वाले की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से आप हमारी बातें हमारे धर्मज्ञ लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, और जितने भी दर्शक हमको देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग द न्यूज़ वाला के इस वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, इसमें आप लोग लाइक करें। धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी ने पूरी बात कह दी है कि भाई तब की ज़रूरत है जीवन में, और एक ही लाइन में कहूँगा, परिवर्तन समाज का हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये ज़रूरी। और गुरु जी ने सारी बात बोल दी। प्लीज़ आप फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कोई अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से गुरु जी से भी पूछ सकते हैं। कमेंट में प्लीज़ सवाल आप डालिए तो गुरु जी आपको वहीं से जवाब देंगे। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।